दोस्तों हाय, मैं अरविंद, मेरे साथ संजय भाई हैं। संजय भाई, एक एकड़ पे क्या नाम है अपना, शुगर केन के साथ साथ सह फसलें लेते हैं। थोड़ा सा संजय भाई, दो मिनट के लिए अपने खेत के बारे में थोड़ा सा बताइए कि और क्या क्या, कैसे कैसे आप यहाँ पे करते हैं। मैंने 8x2 पे गन्ना लगाया है, बीच में अदरक लगा है, उसके मिर्ची लगाई है, झेंडू और चौली बोलते हैं हमारे इधर, जुड़पी चौली बोलते हैं, वो लगाए है। और उसका सबसे बढ़िया चौली और इसका आच्छादन, काष्ठ आच्छादन बहुत बढ़िया होता है, और अदरक बहुत बढ़िया आया है मेरा, और मिर्ची का कम से कम 8-9 महीने तक मेरा मिर्ची बहुत बढ़िया चला। और उसके बाद में मैंने मिर्ची का काट के फिर खोड़वा जब लिया तो अभी तक मिर्ची मेरा जिंदा है, कुछ कई कई जगह पे, और पपीता भी बहुत मेरा अच्छा है। ये पूरा प्रोसेस ये सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग से करते हैं दोस्तों। और एक बार अपने गांव का और जगह का एक बार एड्रेस बताएं, क्या है? मेरा गांव शिरडी के पास कनकुली बोल के गांव है, तहसील राता है, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर है। गन्ने के प्रोडक्शन से दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन गुड़ बनाते हैं। अगर आपको उस अच्छी क्वालिटी का, नेचुरल क्वालिटी का गुड़ भी चाहिए होगा तो इस वीडियो में मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा संजय जी का, आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और अपने यहाँ पे ऑर्डर भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9096045734। संजय जी, एक क्वेश्चन और है, आप सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग कब से कर रहे हैं और क्या इसका रिजल्ट आपको रहा है? मैं 2015 से कोपरगांव में शिविर हुआ था, तब से मैं नेचुरल फार्मिंग SPNFC पद्धति से खेती कर रहा हूँ, और सबसे बढ़िया रिजल्ट है मेरा, सबसे बढ़िया मेरा, सबसे बोले तो मेरे गांव में सबसे अच्छा रिजल्ट मेरा है। तो एक एकड़ में, मतलब अगर हम पैसों के टर्म्स में बात करें, आपकी लागत और आपकी कमाई क्या हो जाती है? इसमें लागत बहुत कम है मेरे को, बोले तो खर्चा कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा खर्चा मेरा खरपतवार निकलने में है, और बाकी सब काम मैं घर खुद कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जीवामृत आप किस विधि से देते हैं, कैसे देते हैं? जीवामृत मैंने एक टंकी बनाई है, उसमें जीवामृत बनाता हूँ, और फिर नीचे एक छोटी टंकी है, उसमें से छान के डालता हूँ और डायरेक्ट ड्रिप से देता हूँ मैं। चलो दोस्तों, ये थे संजय भाई हमारे साथ, और आगे इनके नंबर पे आपको कोई जानकारी चाहिए हो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कभी भी पूछिए, नो प्रॉब्लम, मैं आपको जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। और सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, केमिकल मुक्त अपने खेतों को बनाएं और स्वस्थ रहें, और अपने परिवार वालों को बेहतरीन खाना खिलाएं। जय हिंद, जय भारत।